बड़ों को प्रणाम, बच्चों को प्यार, आप सबको नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं आर के नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उम्मीद करता हूं साथियों आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज साथियों हम जो IAS के लिए टॉपर्स नोट्स है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। आज साथियों इस पुस्तक में जो कि भारतीय इतिहास से संबंधित है, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं, उन टॉपिक के बारे में मैं आपको रिव्यू करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। अगर साथियों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो इतिहास से संबंधित यहाँ पर जितने भी टॉपिक दिए गए हैं आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। अब साथियों इस पुस्तक का रिव्यू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि हमारे इस चैनल पर अब तक हमने कौन कौन से वीडियो का रिव्यू किया है, कौन कौन से पुस्तक का रिव्यू वीडियो के माध्यम से किया है। राजस्थान का इतिहास साथियों यहाँ पर ये पुस्तक है, इसका रिव्यू किया जा चुका है, ये भी राजस्थान के इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगर आप राजस्थान से अदर स्टेट के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष साथियों इस पुस्तक का रिव्यू आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है साथियों, आधुनिक भारत का इतिहास विपिन चंद्रा की बहुत ही प्यारी और विश्वसनीय गाइड है साथियों, इसको आप रिव्यू भी आप देख सकते हो। सभी विद्यार्थियों के दिलों पर राज करने वाली महेश कुमार वर्णवाल NCERT सार, इसको भी आप देख सकते हो, इसका रिव्यू हमारे चैनल पर। विश्व का इतिहास अगर पढ़ना चाहते हो तो इस पुस्तक का रिव्यू भी किया जा चुका है। किरण पब्लिकेशन की भारतीय इतिहास से संबंधित एक बहुत ही प्यारी और विश्वसनीय गाइड, इसका भी रिव्यू इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। अगर आप साथियों MCQs प्रैक्टिस करना चाहते हो तो दृष्टि IAS की भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित, इसके अंदर साथियों लगभग 2 से 2500 प्लस महत्वपूर्ण MCQs दिए गए हैं, उनका रिविजन आप कर सकते हो और किसी भी एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हो। कला एवं संस्कृति साथियों दृष्टि IAS की एक बहुत ही विश्वसनीय गाइड है, इसका भी रिव्यू आपको मिल जाएगा। अब साथियों जितने भी रिव्यू किए गए हैं, अब साथियों आपको जितनी भी पुस्तक का रिव्यू किया गया है उनके बारे में जानकारी अगर चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूं। अब साथियों हम इस पुस्तक के बारे में जानकारी देने से पहले एक बहुत ही प्यारी और विश्वसनीय गाइड है डॉक्टर विजय अग्रवाल सर की, स्टूडेंट और टाइम मैनेजमेंट। ये गाइड आप पढ़ने के बाद आप जीवन में कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करेंगे, समय को बर्बाद नहीं करेंगे, समय का हमेशा सदुपयोग करेंगे, सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे और सही तरीके से टाइम का मैनेजमेंट करेंगे। ये गाइड पढ़ने के बाद बहुत ही प्यारी और विश्वसनीय गाइड है, अच्छे तरीके से आप पढ़ के इसमें किसी भी एग्जाम में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हो। अब साथियों जो टॉपर्स नोट्स है IAS से संबंधित जो हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक इस गाइड में पढ़ने के लिए मिलेंगे उनके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले साथियों आप पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, उसके बाद में है ब्रिटिश साम्राज्य का प्रसार, बंगाल मैसूर पंजाब अवध के माध्यम से साथियों यहाँ पर पूरी जानकारी आपको विस्तार के साथ दी गई है, ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियाँ और उसके बाद में साथियों यहाँ पर आप देखेंगे ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के बारे में भी जानकारी दी गई है। उसके बाद साथियों आप यहाँ पर देख सकते हो ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के बाद में ब्रिटिश भू राजस्व नीति के बारे में यहाँ पर इस गाइड में विस्तार के साथ समझाया गया है। उसके बाद में साथियों आप यहाँ पर देखेंगे ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियाँ, ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक जो नीतियाँ हैं उनके बारे में भी इस गाइड में विस्तार के साथ दिया गया है, और ब्रिटिश शिक्षा नीति, भारत में जो ब्रिटिश की शिक्षा नीति थी उसके बारे में भी विस्तार के साथ इस गाइड में दिया गया है। उसके बाद में साथियों भारतीय प्रतिक्रियाएं, जिसके अंदर जनजातीय विद्रोह, किसान विद्रोह, 1857 का जो विद्रोह है उनके बारे में भी यहाँ पर विस्तार के साथ इस गाइड में समझाया गया है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, राजा राम मोहन राय, आर्य समाज और दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन के बारे में जानकारी दी गई है। मुस्लिम जो सुधार आंदोलन है उसके बारे में भी इस पुस्तक में विस्तार के साथ समझाया गया है, और इसकी भाषा शैली भी काफ़ी आसान है साथियों, इसलिए आप इस प्रकार के नोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। और उसके बाद में साथियों राष्ट्रीय आंदोलन में आप यहाँ पर देखेंगे
तो उदारवादी आंदोलन है, उसके बाद में साथियों उग्रवादी आंदोलन है, बंगाल विभाजन है, स्वदेशी आंदोलन है, क्रांतिकारी आंदोलन है उससे संबंधित जानकारी दी गई है, गांधी जी का आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, 1945 के बाद का भारत, उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई, 1945 से लेकर वर्तमान समय तक का अपडेट करके आपको इस पुस्तक में मिलने वाला है। आशा करता हूँ साथियों इस प्रकार की गाइड को पढ़ करके आप किसी भी एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हो, या फिर जो नोट्स है ये आपको कितने फायदेमंद साबित हो सकते हैं, अगर ये जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिए। अब साथियों एक और महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले मैं आपको देना चाहता हूं, अगर आपके पास में ल्यूसेंट है तो आप कमेंट जरूर कीजिए कि आपके पास में ल्यूसेंट है, और ये है सामान्य ज्ञान की विवाह जिसके अंदर साथियों काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। अब साथियों इतिहास के लिए एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दृष्टि आईएएस की भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक दिखाई थी जिसके अंदर 2500+ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज थे। यहां पर साथियों दिशा पब्लिकेशन की जो 2021 का लेटेस्ट वर्जन है सामान्य अध्ययन जिसके अंदर 10000+ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज दिए गए हैं। अगर साथियों इस पुस्तक को भी आप पढ़ते हैं तो आपका किसी भी एग्जाम में सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। एक बहुत ही प्यारी और विश्वसनीय गाइड साथियों, बहुत ही बड़ी है लेकिन यह सामान्य अध्ययन पेपर 1 जो भी जीएस का होता है जनरल स्टडी का, उसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और विश्वसनीय गाइड है 2021 की, जो कि मनोहर पांडे सामान्य अध्ययन है, काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक का अगर रिव्यू आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। अब साथियों आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमी, इनसे संबंधित अगर किसी भी पुस्तक को परचेज करना चाहते हो तो उससे पहले हमारे चैनल की प्ले लिस्ट को ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि इस प्ले लिस्ट में आपको प्रत्येक पुस्तक का रिव्यू किया गया है और प्रत्येक सब्जेक्ट जो कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और हिस्ट्री, इन चार सब्जेक्ट की कम से कम 20+ पुस्तक का, 20 से 27 पुस्तक, हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा 27 पुस्तक है मेरे पास में, उनका रिव्यू प्रत्येक पुस्तक आपको मिलेगा देखने के लिए। तो साथियों लगे रहिए इसी प्रकार, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और साथियों अगर आप किसी भी दूसरे भाई बहन तक इस वीडियो को पहुंचाना चाहते हो तो इसको शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि उन्हें भी हो सकता है कि इस प्रकार के वीडियो की या इस प्रकार की पुस्तक की आवश्यकता है, तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए। बाकी साथियों आपके दिल में अगर कोई भी क्वेश्चन है, कॉमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, किसी भी समय कॉमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई हमारी टीम के द्वारा, हमारे द्वारा आपको ज़रूर दिया जाएगा। तो लगे रहिए साथियों इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश, नई उम्मीद के साथ। तब तक धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।